अरे बोल अबासिम अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल सरकार पर अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल बात करने आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है जानकारी? अभी 37% बिजली दर में बढ़ोतरी कर दी गई है। ये सरकार को MSEDCL का प्रस्ताव भेजा गया है कि 37% बिजली दर को बढ़ाया जाए। इसके विरोध में हमारे नेता ने जनाब अबू आसिम आदमी साहब ने सदन में आवाज उठाई है। आज इसी क्रम में वो महावितरण केंद्र प्रकाशगढ़ में बांद्रा में आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के सिपाही सब यहाँ पर आज नोबरा में भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये बिजली दर वापस नहीं जाए। आप बता रहे 37% जो है बढ़ाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, तो आप लोग आंदोलन के अलावा और भी किस तरह के जो है इसके कदम उठा रहे हैं कि ये वापस लिया जाए? भाई ये सबसे बड़ा हमारे नेता ने सदन के अंदर आवाज उठाई है, जो कि सबसे बड़ी आवाज महापंचायत में उन्होंने कहा है, तो ये सबसे शुरुआत हमने वहां से कर दिया है। दूसरा आज हमने रोड पर प्रदर्शन किया है, उनके सामने महावितरण केंद्र पर हमने प्रदर्शन किया है और हमारा ज्ञापन आज मुख्यमंत्री साहब को यहाँ जाएगा। हम ज्ञापन लेकर के आज यहाँ पे सीनियर साहब के माध्यम से वहाँ भिजवाएंगे। इसके बाद जो भी आदेश होगा, जो लड़ाई लड़नी होगी, मौजम खान मामा साहब हमारे नेता है, हम इनको लेकर के मुमरा और थाना की सड़कों पर जिस तरह का आंदोलन की जरूरत पड़ेगी आप समाज को हमारे लोगों को हम आगे बढ़ेंगे। 37% बिजली का बिल बढ़ने की वजह से किस तरह की जो है दिक्कतें आ सकती है और कितने इफेक्ट इस पे लोगों को पड़ सकता है अगर ये वापस नहीं होता है? ये नहीं वापस होता है तो आप समझ लीजिए कि जो 500 की बिजली 5000 4000 का जो बिल आता था 37% उसमें जोड़ दीजिए बढ़ जाएगा। आज हालात ये हैं कि आज जो है 5000-7000 अपने घर का किराया आदमी देता है, बच्चों की फीस देता है, राशन खरीदता है, बिजली के बिल इतनी दे रहा है, कहाँ से वो क्या खाएगा, क्या बिजली के बिल देगा, क्या मकान का किराया देगा, क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या ये देश अपने देशवासियों को आगे बढ़ाने विकास के लिए काम हो रहा है? ये सरकारें लूट रही हैं, तबाह करने के लिए देश के लोगों को जनता को तबाही के दहाने पर खड़ा करें मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मोहतम भाई आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं? हम लोगों ने ये देखा कि किस आधार पर ये बढ़ा रहे हैं और महंगाई और बढ़ रही है, पर कैपिटल अगर आय बढ़ती है तो उसके हिसाब से सरकार जो है वो बढ़ाती है। देख हर चीज़ों को बढ़ता है सरकार बढ़ाती है, मगर यहाँ पर कोई भी चीज़ बढ़ी नहीं है, हर चीज़ घटी है और प्रदेश हमारा जो है कर्ज में डूबा हुआ है। तो इस आधार पर बढ़ा रहे हैं, इस पर हमारे नेताओं ने वहाँ सवाल किया है और मुंबरा के समाजवादियों ने आवाज़ उठाई थी, जहाँ यहाँ पे हमारे कारपोरेटर और विधायक भी नहीं है, हमारे दूसरी जगह के विधायकों ने वहाँ पे आवाज़ उठाई और यहाँ के विधायक जो थे जहाँ की यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ का विधायक गायब था सदन से। तो हम लोगों ने ये सोचा कि लोगों की आवाज़ बन के हम सड़क उतरेंगे और यहाँ पे आंदोलन करेंगे। हमारे नेता अबू आसिम आदमी साहब बांद्रा पे आप लोग को मालूम होगा कि वहाँ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम आगे आइंदा इंशाल्लाह सड़कों पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। जिस तरह से मुमरा शहर में बिजली बिल की काफी समस्या है, टोरेट पावर को लेकर लोग ऐतराज जता रहे हैं कि बिल ज्यादा आया है, लेकिन अभी 37% जो वृद्धि की गई है इससे फिर और असर पड़ेगा? वृद्धि नहीं होने दिया जाएगा, हम लोग सड़क उतरेंगे, इसीलिए लड़ाई है। अभी उन लोग को इंडिकेट किया जा रहा है, हमारे नेता जो है बांद्रा में है, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, समाजवादी लोग आवाज उठा रहे हैं लोगों की, अगर नहीं होगी तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे जहां तक हो सकेगा, इसको हम लोग होने नहीं देंगे, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे हम लोग को कुछ भी कुर्बानी देनी होगी, हम लोग हर कुर्बानी के लिए तैयार।
ज्ञापन लेने का भाई, चलो फिर आ जाओ। ज्ञापन दिया जा रहा है, मैं आ रही हूँ।